दीदी वेलकम टू बॉलीवुड एमडीपी। आई डोंट थिंक कोई भी इन ट्रोल्स को इतनी सीरियसली लेता। इंसान कभी भी कह नहीं सकता कि मैं हमेशा खुश। एक एक्टर हमेशा हंग्री रहता है, भूखा रहता है कि मुझे और अच्छे रोल्स मिले और बेटर रोल्स मिले। तो अभी स्पोर्ट्स लीग पे अगर बात करें तो अभी कैसा, क्या चीज अभी अपडेट है कुछ और स्पोर्ट्स को लेके? अभी देखिए, ये जो प्रो पंजा लीग की शुरुआत की है हमने, वो हमारा जैसे एक बेबी ही है। हमारे कंट्री में इस तरह का टैलेंट है तो हमें लगता है कि लोगों को इनकी कहानियां सुनने में और इनकी उनका पैशन और उनका जो टैलेंट है वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो ये एक हमें लगता है एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, इस स्पोर्ट को दुनिया को में अपना जैसे कि कहते हैं ठेस जमाने की। आजकल तो फोटोज को लेके लोग ट्रोल हो जाते हैं, कोई कमेंट्स के लेके ट्रोल हो जाते हैं, आप क्या व्यू रखते हैं उस पे? आई डोंट थिंक कोई भी इन ट्रोल्स को इतनी सीरियसली लेता, और मेरे तो हर पिक्चर पे ट्रोलिंग होती है। सो आई डोंट, मुझे कभी पहले अफेक्ट किया नहीं था और अब भी अफेक्ट नहीं करता। प्रीति, हमने देखा कि अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में दीपिका ने भी ये बात कही थी कि बीच में उन्हें डिप्रेशन हो गई थी, और बहुत सारे स्टार्स जो हैं इस बात को शेयर करते रहते हैं। तो आप इतने सालों से हैं प्रीति, कभी आपके स्टार्स या आपका खुद का कभी भी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बने, कभी कुछ ऐसा हुआ? इंसान कभी भी कह नहीं सकता कि मैं हमेशा खुश थी और मुझे कभी दुख हुआ ही नहीं या मुझे किसी तरह का डिप्रेशन हुआ नहीं। दुख सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो एक क्लिनिकल डिप्रेशन है वो एक रियलिटी है, वो एक जो है मेडिकल कंडीशन है। रेगुलर इलनेस की तरह लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक अपने इंडियन को या अपने हर एक अपने भाई बहन या अपने करियर में जो भी है उनको अपलिफ्ट करने का ये माहौल अब तक थोड़ा कम है। ये एक माहौल है जो मैं सोचती हूँ कि चेंज करना चाहिए। कोई मेमोरीज आपकी हैं 15 अगस्त से, कोई स्कूल की कुछ? जो मुझे याद है जब हम 8th या 9th स्टैंडर्ड में थे तो हम मिस नहीं करते थे। जब भी फ्लैग मतलब लहराता है इतना प्राइड महसूस होता है अपने देश में कि हमारा देश इतना आगे बढ़ा है हर एक फील्ड में, जो भी फील्ड है। आपके प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ अपडेट अगर देना हो या कब देख पाएंगे ऐसा कोई, या किसी रोल के लिए आप ऐसा होगी किसी रोल के लिए आप रुके हो? एक एक्टर हमेशा हंग्री रहता है, भूखा रहता है कि मुझे और अच्छे रोल्स मिले और बेटर रोल्स मिले। और एक बार वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, मैं जरूर आऊंगी स्क्रीन पर, OTT पे। और एक फिल्म भी है जिसका नाम है महापौर, जिसमें मैं एक मेयर का किरदार निभा रही हूँ, और मेरे लिए काफी ग्रे अलग किस्म का रोल है, तो वो भी एक सरप्राइज होगा, एक्साइटिंग रोल होगा ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष, थैंक्स, सी यू सून।